लेकिन एक बेहद स्ट्रांग अंडर करंट है जो मोदी जी को चाहता है और लोग निसंदेह बीजेपी को चुन कर देंगे, एनडीए को चुन कर देंगे। चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल को मुंबई में मतदान होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पूरे हिंदुस्तान से ली जाए और फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और इसी के तहत जो पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरे भारत से अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए मौजूद हैं, उपस्थित हैं, आ रहे हैं मुंबई। 11 अप्रैल को नागपुर में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, नितिन गडकरी जी वहाँ से उम्मीदवार थे और ऐसे में अब नागपुर से टीम ये मुंबई पहुँची हुई। कैसा लग रहा है मुंबई आकर? सबसे पहले बहुत उत्साहजनक वातावरण है, हम प्रचार करने यहाँ पर आए हैं और जिस हिसाब से सकारात्मक रिस्पांस हमें नागपुर में नितिन जी के प्रति मिल रहा था, उतना ही सकारात्मक रिस्पांस जब हमें पूनम ताई के लिए यहाँ पर मिल रहा है तो बेहद खुशी की बात है। केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार, ये नारा है, तो क्या लग रहा है, सकारात्मक प्रचार हो रहा है, सकारात्मक लोगों के जो है रुझान सकारात्मक हैं? निस्संदेह सकारात्मक है, ये सिर्फ कोशिश हो रही है लोगों को कंफ्यूज करने की, लेकिन एक बेहद स्ट्रांग अंडर करंट है जो मोदी जी को चाहता है। देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता, देश की इमेज और सुधारने का प्रयास लोगों का है और लोग निस्संदेह बीजेपी को चुन कर देंगे, एनडीए को चुन कर देंगे। 2014 में सबका साथ सबका विकास ये स्लोगन था, मगर कहीं ना कहीं विकास के जो मुद्दे हैं, विपक्ष का आरोप है, विरोधियों का आरोप है कि जो विकास का मुद्दा है वो गौन हो गया है, वो खत्म हो चुका है, अब राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है। विरोधकियों का काम ही होता है विरोध करना, सो विरोध के लिए विरोध वो कर रहे हैं, लेकिन विकास की राजनीति ही हम करते आए हैं। हम विकास करने के लिए ही राजनीति का एक विकल्प चुने हुए पार्टी है और हमने विकास अगर उनको दिखाई नहीं देता उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जब दिल्ली से मेरठ 14 लेन का हाईवे रिकॉर्ड टाइम में पूरा होता है तो उसे विकास कहते हैं। जब 104 सैटेलाइट्स एक साथ छोड़े जाते हैं तो उसे विकास कहते हैं। IIT IIMs के नंबर्स जब बढ़ते हैं तो उसे विकास कहते हैं। जो आखिरी पंक्ति का जो व्यक्ति है उस तरह के विकास को पहुंचाना, ये एनडीए के सरकार की रणनीति रही है जिस पर भारतीय जनता पार्टी चलते आई है और आगे भी चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा इस मतदार संघ से चुनाव लड़ रही हैं, 29 अप्रैल के लिए क्या आप मतदाताओं से कहना चाहेंगे? पूनम ताई हमारा प्राउड है, गर्व महसूस करते हैं जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा एक खासदार का चुनाव लड़ रही है। जिस लोकसभा चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रही है वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। सभी से निवेदन है, हम एक ऐसी नेत्री को चुनने जा रहे हैं जो 130 करोड़ के देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो युवा है उनका प्रतिनिधित्व करती है। सो जितने भी युवा सांसद चुने मतलब प्रत्याशी है जो लड़ रहे हैं उन्हें चुन कर दीजिए, लेकिन पूनम ताई ये हमारी सबसे बेस्ट है और जो सही मायनों में एक अच्छी सांसद साबित हुई है पिछले 5 सालों में और आने वाले 5 सालों में लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर और तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा अध्यक्षा पूनम ताई महाजन उत्तर मध्य मुंबई से चुनाव लड़ रही हैं, फिर से एक बार खासदार बनने की उनकी कोशिश है और उनके टीम के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों के घर घर पहुँच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से पूनम महाजन को एक बार फिर खासदार यानी सांसद बनाएं और फिर एक बार युवाओं की आवाज़ संसद में गूंजे। कैमरा पर्सन नियाज खान के साथ एसटीवी न्यूज़ के लिए मैं खालिद मलिक, मुंबई। लेकिन एक बेहद स्ट्रांग अंडर करंट है जो मोदी जी को चाहता है और लोग निसंदेह बीजेपी को चुन कर देंगे, एनडीए को चुन कर देंगे। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।